कैसे करें? आज जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी का सोमवार को संवाद और उप मुख्यमंत्री का मंगलवार को संवाद, लेकिन किसी का होता नहीं है समाधान। ये संवाद भी लोगों को सही ढंग से मिलने का अवसर प्रदान नहीं करता है, और ये संवाद के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। 25 तक हमारे मुख्यमंत्री वही रहेंगे, आगे क्या होगा वो देखेंगे, ऐसा बयान दे। बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि ये व्यक्ति और परिवार को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ते रहा। अब जरूरत है बिहार में उन नेताओं का जो न व्यक्ति का न परिवार की बात करेगा, न खुद को चंद्रगुप्त बनाने की बात करेगा। अब बिहार का चाणक्य को, हर व्यक्ति को चाणक्य बनकर जगना होगा, और वो चंद्रगुप्त चुनेगा जो चंद्रगुप्त बिहार का मान सम्मान बढ़ाएगा। अवसरवादिता की राजनीति करने वाले और सत्ता के लिए सिद्धांत से समझौता करने वाले लोग चंद्रगुप्त की भूमिका में नहीं रहे। बिहार के 2/3 नौजवान और बिहार की जनता सारे विकारों से मुक्त होकर और सारे बंधनों को तोड़ करके बिहार बचाने का अभियान करे, क्योंकि ये लोकतंत्र की धरती है। इस लोकतंत्र के धरती से संदेश जाता है देश दुनिया को, और आज बिहार का लोकतंत्र खतरे में है। अपराधियों और गुंडों के हवाले बिहार को कर दिया गया है, और ये जो अवसरवादिता की राजनीति करके सिद्धांत छोड़कर कुर्सी के लिए समर्पण कर चुके हैं, उनको कुर्सी से हटाने की तैयारी करनी होगी। हर गांव के अंदर से अगर जो ये सत्ता बजट सत्र तक सही जवाब सरकार नहीं दिया, तो सभी गांव से जेल भरो अभियान शुरू होगा, सारा जेल को भर दिया जाएगा, और ये सरकार को सत्ता से हटने तक जेल के अंदर में हम लोग कुल बैठेंगे। ये खुला चेतावनी है, जितनी गोली है जितना इनको दमन करना है दमनकारी ताकत अपना ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सामाजिक सैनिक के रूप में इनके दमनकारी नीति को, जंगल राज को भी मिटाए थे, इनके गुंडा राज को भी हटाए। और कौन दिल्ली आया उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। भारतीय जनता पार्टी साफ शब्दों में कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है कोई चंद्रगुप्त नहीं, सब चाणक्य की भूमिका में होगा, और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर चलता है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो महामंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस महामंत्र को जो सबसे ज्यादा जमीन पर उतारेगा वही मेरा नेता होगा। वही भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग और राष्ट्रवाद का संकल्प लेकर जो चलेगा, भारतीय जनता पार्टी उसी को गला लगाएगा। उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जो महामंत्र मेरा ग्रहण करेगा और राष्ट्रवाद का संकल्प लेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महामंत्र का जो ग्रहण करेगा, भारतीय जनता पार्टी उस सभी लोगों को गले लगाएगा। चलिए ठीक है।